आज हम बनाएंगे करेले। ये मैंने करेले काट के छील के रखे हुए हैं। ये प्याज कटे हुए हैं, ये मिर्च है, ये हल्दी है, ये पिसा हुआ धनिया, ये गरम मसाला और ये नमक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेलों को जो कटे हुए छीले हुए हैं हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे। इनके ऊपर अच्छे तरीके से हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसको धूप में रख देंगे ताकि नमक इसके अंदर जज्ब हो जाए। फिर जब नमक इसके अंदर जज्ब हो जाएगा फिर हम इसको जो है अच्छे तरीके से मसल कर धो लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर जो है हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मैं पहले इसको धूप में रख दूँ, फिर इसे मसल कर अच्छी तरह धो लूँ, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। करेले जो हैं अब वो धोकर मैंने जो है वो रख लिए हैं। अब हम इसको इस ऑयल में फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे फिर हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर हम इसमें प्याज और दीगर स्पाइसेस डालकर फिर हम इसको पकने रखते हैं। पहले अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये करेले जो हैं ये फ्राई हो गई हैं, इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब ये ज़रा क्रिस्पी सी शक्ल में आ गए। अब जो है हम इनको निकाल कर एक तरफ रख लेंगे इस तरह से। हम इन्हें निकाल कर करेले हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में प्याज डालेंगे। हमने प्याज डाल दिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब इनकी शक्ल थोड़ी सी नरम हो जाएगी, ये ढल जाएंगे, ये लाइट का कलर चेंज कर लेंगे, फिर हम इसमें करेले और तमाम स्पाइसेस मिक्स करकर हम इसे पकने रख देंगे। अब मैं ज़रा इनको अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। ये प्याज जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें करेले मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। इसके अंदर जो है करेले और प्याज मिक्स कर दिए हैं। उसके अलावा हमने इसमें दही और टमाटर डाला है, नमक और मिर्च डाला है और इसमें हमने पिसा हुआ धनिया एक चम्मच डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको हल्की सी आंच पर पकने रख देंगे। ये भी अपने ही पानी में पक जाता है। जैसे ही ये रेडी होता है मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने करेले, प्याज, टमाटर, दही और हमने नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला डालकर हमने इसको अब पकने रख दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको हल्की सी आंच पर जो है वो पककर पकने रख देते हैं। ये हमने हल्की सी आंच की। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा। जैसे ही ये पकता है मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जो है करेले, प्याज जो है वो रेडी है। तो इसको आप चाहे गर्म रोटी से खाएं या आप जो है नान से खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।